ठीक है। अगर आप लोग 2022 में या इससे पहले अगर केवल अगर आप लोग हाई स्कूल पास आउट हो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अपने जीवन में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो फ्रेंड्स, क्या कर सकते हो पढ़ाई में, तो मैं आप सभी लोग फ्रेंड्स एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मैं ए टू जेड आप सभी लोग यहाँ पर बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि आप सभी लोग एक फ्रेंड ऐसा कोर्स मतलब कौन कौन सी आप सभी लोग कि फ्रेंड्स आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद फ्रेंड कौन कौन सी ऐसी डिग्रियाँ की जो फ्रेंड कम से कम खर्चे में कम से कम समय में आप लोग करके और फिर बहुत अच्छा मुकाम यहाँ पर हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी लोग बिना इसके किए वीडियो को अंत तक फ्रेंड देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी यहाँ पर अच्छे से मिल पाएगी। आप सभी लोग के फ्रेंड मैं यहाँ पर ए टू जेड यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप सभी लोग इंटरमीडिएट के बाद क्या क्या कर सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पर देख पा रहे हो फ्रेंड, सभी को पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं सभी लोग क्या करते हैं कि हाई स्कूल के बाद जस्ट यहाँ पर इंटर करने लग जाते हैं। बट फ्रेंड्स आप सभी लोग इंटर करने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि वो भी फ्रेंड्स आप सभी लोग कर सकते हो और फ्रेंड बहुत जल्दी आप सभी लोग अपने जीवन का फ्रेंड ये ग्रो कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं आज वही सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हाई स्कूल के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग कौन कौन से कोर्सेज करके या फिर फ्रेंड कम से कम समय में क्या क्या पढ़ के फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करके जल्दी से जल्दी अपना जीवन यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप सभी लोग फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोग आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियो पहले से ही बना रहा हूँ। उसके बावजूद फ्रेंड आप सभी लोग आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई जिन स्टूडेंट को नहीं पता होगा आप सभी लोग कमेंट करोगे, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेकर यहाँ पर आ जाऊँगा। आईटीआई फ्रेंड इसमें कुछ नहीं होता, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें आप सभी लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। अभी फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को जो यहाँ पर फ्रेंड कोर्सेज बता रहा हूँ इन सभी के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट कोर्स की। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल के बाद पैरामेडिकल भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है मतलब कहना कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके भी आप सभी लोग वो कोर्सेज करके भी आप सभी लोग यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड गवर्नमेंट यहाँ पर जॉब्स हैं जो कि फ्रेंड्स आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद भी यहाँ पर पा सकते हो। जैसे कि फ्रेंड मैं आप सभी लोग को बता दूँ कि BRA हुआ, मिलिट्री हुआ जैसा कि आप सभी लोगों को पता हुआ है, उसके बावजूद फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए AW हुआ और बहुत सारे यहाँ पर ड्राइविंग पोस्ट हुए जो कि विभिन्न विभिन्न तरह के विभाग में यहाँ पर पोस्ट आती रहती हैं जो कि हाई स्कूल पास आउट यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर लिया जाता है, हायर किया जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंटरमीडिएट की। दोस्तों आप सभी लोग मैं यहाँ पर बता दूँ कि इंटरमीडिएट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वर्षीय कोर्स रहने वाला है जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर पहले से ही जानते हो। और ये भी फ्रेंड 2 वर्षीय कोर्स भी आप सभी लोग का विभिन्न विभिन्न तरह के स्ट्रीम मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पर शाखा में यहाँ पर होता है। जैसा कि आप सभी लोग को फ्रेंड पता होगा कि जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्रेंड साइंस साइड से भी होता है मतलब साइंस स्ट्रीम से भी। अब साइंस साइड में भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 टाइप है जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, MPC, BIPC, लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका साइंस रहा है इसमें फिर 3 शाखा है जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि आप सभी लोग साइंस के अंतर्गत इन तीन शाखाओं में भी आप सभी लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट कर सकते हो। तो उसके बावजूद फ्रेंड्स आप सभी लोग कॉमर्स में भी यहाँ पर इंटरमीडिएट कर सकते हो। CEC जिस जो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वर्षीय फ्रेंड्स होता है इंटरमीडिएट और उसे फ्रेंड्स आठ फॉर्म में CEC भी बोलते हैं। हाई स्कूल के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम से भी कर सकते हो जिसमें फ्रेंड्स आप सभी लोग का कॉमर्स में यहाँ पर CEC भी रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट फ्रेंड आर्ट साइड में भी कर सकते हो जैसा कि आप सभी लोग को ऑलरेडी यहाँ पर पता है। आर्ट में भी फ्रेंड जो यहाँ पर आर्ट से यहाँ पर के साइड हैं HEC और MAC। इसके बावजूद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटेक्निक्स की। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड पता होगा कि जो पॉलिटेक्निक होता है अगर आप लोग हाई स्कूल की बात करते हो फ्रेंड तो यहाँ पर आप सभी लोगों का फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर कराया जाता है मतलब 3 वर्षीय फ्रेंड जिसमें कि आप सभी लोगों को यहाँ पर फ्रेंड पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सभी लोगों को जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिल जाता है। अब फ्रेंड बात करते हैं कि आप सभी लोग पॉलिटेक्निक में फ्रेंड कौन कौन सा ब्रांच यहाँ पर चूज कर सकते हो हाई स्कूल के बाद। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग सबसे पहले फ्रेंड बात करें तो आप सभी लोग को मैकेनिकल मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस, सिविल, EEC, EEE, IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी लोग को यहाँ पर बता दूं कि देखिए ये सारे यहाँ पर फ्रेंड जितने भी यहाँ पर आप सभी लोग को मैंने यहाँ पर फ्रेंड ये ब्रांचें बताई है आप सभी लोग इन सभी ब्रांचेज में आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद यहाँ पर पॉलिटेक्निक कर सकते हो जो कि फ्रेंड आप सभी लोग का 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स रहेगा। उसके बाद फ्रेंड आप सभी लोग यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर फ्रेंड आप सभी लोग यहाँ पर लग सकते हो मतलब और फिर कभी कभी और फिर समय समय पर फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती है जिसके थ्रू फ्रेंड आप सभी लोग इस सभी डिग्रियों के थ्रू आप सभी लोग को काम करके
आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर पा सकते हैं। जैसे जो फिर आप लोगों को मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आप लोग के क्षेत्र में आप जेई होते हैं जूनियर इंजीनियर, वो सब फ्रेंड यहाँ पर डिप्लोमा के थ्रू यहाँ पर SSC का एग्जाम देकर आते हैं, वही फ्रेंड यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात होते हैं। बात करते हैं ITI। सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूँ कि जो फ्रेंड ITI होता है ये फ्रेंड 2 वर्षीय कोर्स होता है और इसमें पॉलिटेक्निक की तरह इस पॉलिटेक्निक में फ्रेंड विभिन्न तरह के ब्रांचेज होते हैं और फ्रेंड ITI में यहाँ पर विभिन्न तरह के ट्रेड्स होते हैं। फ्रेंड मैं आप लोगों को उन्हीं ट्रेड्स के बारे में यहाँ पर मैं विधिवत बताने वाला कि आप लोग अगर फ्रेंड हाई स्कूल पास आउट हो तो आप लोग कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग फिटर, कंप्यूटर, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, अपने मैकेनिकल से यहाँ पर 4 यहाँ पर ब्रांचेज रहने वाले हैं जो कि आप लोग वो भी ट्रेड चूज कर सकते हो, जैसे फ्रेंड रेडियो एंड TV, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इसके बाद उसमें सभी लोग इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर, सर्वेवर, इलेक्ट्रिकल मशीन टूल, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड जितने भी आप सभी लोग को मैंने यहाँ पर फ्रेंड यह आप सभी लोग को ट्रेड्स यहाँ पर बताया हुआ है, ये सभी ट्रेड्स फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर ITI में चूज कर सकते हो हाई स्कूल पास आउट होने के। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फ्रेंड्स वो है कि जो फ्रेंड्स आप सभी लोग 6 महीने से 1 साल के अवधि के फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्सेज रहने वाले हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग ये सारे कोर्सेज भी करके आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्न कर सकते हो और अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स वो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं कि जो फ्रेंड्स आप लोग हाई स्कूल के बाद कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड बात करते हैं DTP की, जो कि फ्रेंड्स एक यहाँ पर एडिशनल कोर्स है, मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि आप लोग हाई स्कूल पास आउट होने के बाद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड PGDC है, मतलब कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि फ्रेंड्स आप लोग हाई स्कूल पास आउट होने के बाद कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप लोग टैली की बात करें, जो कि आप लोग को पता होगा, ये भी आप लोग हाई स्कूल के बाद कर सकते हो। इंटरनेट, ये भी आप लोग हाई स्कूल के बाद कर सकते हो। ग्राफिक्स, ये भी आप लोग हाई स्कूल पास आउट होने के बाद कर सकते हो। एनिमेशन, ये भी आप लोग के लिए इसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होती है। वेब डिजाइनिंग, अगर आप लोग की कम से कम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है तो आप लोग फ्रेंड वेब डिजाइनिंग यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए भी फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल कम से कम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फ्रेंड बात करें कि इन सभी कोर्सेज की अवधि क्या होती है, तो इन सभी कोर्सेज की अवधि जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, मतलब कहीं ना कहीं आप सभी लोग फ्रेंड कम से कम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर कोर्सेज करा दिया जाता है। और फ्रेंड इन सभी कोर्सेज के थ्रू आप सभी लोग यहाँ पर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं पैरामेडिकल की, जो फ्रेंड 3 वर्षीय कोर्स होता है। तो फ्रेंड पैरामेडिकल में भी फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारे ब्रांचेज हैं, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को सभी ब्रांचेज के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं DLMT की, जो कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल के बाद पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि DHFM की, जो कि आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर DOA है, DOT है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल के बाद ये पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर है, ये कोर्स भी फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल के बाद कर सकते हो पैरामेडिकल कोर्स, जिसकी फ्रेंड समय अवधि की बात की जाए तो इसका समय अवधि यहाँ पर 3 वर्ष रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्री इंस्पेक्टर है, जो कि फ्रेंड्स इसमें भी आप सभी लोग यहाँ पर हाई स्कूल के बाद ये कोर्स कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप सभी लोग फ्रेंड कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप सभी लोग यहाँ पर एक अच्छे कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन भी पा सकते हो हाई स्कूल के बाद। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हाई स्कूल के बाद यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर विभिन्न तरह के बड़े बड़े विश्वविद्यालय अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग BHU में इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन यहाँ पर फ्रेंड ले सकते हो। और फ्रेंड आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न तरह के यहाँ पर जो फ्रेंड विश्वविद्यालय वहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू आप सभी लोग इंटरमीडिएट यहाँ पर फिर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप सभी लोग JEE CET मतलब कहीं ना कहीं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म भी फिल करके आप सभी लोग एग्जाम के थ्रू यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग APRJC में भी यहाँ पर एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये रही आप सभी लोग के हाई स्कूल के बाद यहाँ पर करने वाली कोर्सेज। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद BSc के बाद अगर आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, या फिर फ्रेंड किसी भी अगर आप लोग अलग स्टेट के स्टूडेंट हो, तो फिर उसके बाद आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों आप सभी लोग मैं फिर वो वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, आप सभी को सिर्फ यहाँ पर फिर कमेंट कर देना है। दोस्तों आशा करते हैं कि जो फ्रेंड्स ये वीडियो रहा दोस्तों आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आप सभी लोग की वीडियो फ्रेंड अगर हेल्पफुल लगा तो आप लोग फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो फिर आप सभी लोग को चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी एक अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।